उल्लू टीवी से राजीव सर, एक छोटा सा प्रश्न है। रात भर सोने की व्यवस्था यहाँ पोलिंग एजेंट को नहीं थी, आप लोग इतना भी नहीं कर सकते? प्रशासनिक स्तर से ऊपर से तो चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ दिस इज नॉट योर फॉल्ट। चाचा आपके सामने स्क्रीन पे इस समय शिक्षक हैं। चाचा जिस राष्ट्र का शिक्षक ही नहीं जानता लोकतंत्र क्या होता है, 70 सालों से वोट देकर क्या बदला है? सत्य को स्वीकार करिए सर, एक शिक्षक अगर सच नहीं बोलेगा तो राष्ट्र कभी विकास नहीं कर सकता है। राइट उल्लू टीवी से राजीव आजमगढ़ से, नामर्दों के एक ओर से सत्ता बदलती है व्यवस्था नहीं, चेहरा बदलता है चरित्र नहीं। ये देखिए न्यूज, ये देखिए एबीपी न्यूज की टीम है, गोदी मीडिया की गोद में बैठ के राजनीति करने वालों, राजीव तलवार तुम्हारे लिए काल बनने जा रहा है। जिस देश की सेना गुलाम हो, जिस देश की पुलिस गुलाम हो, जिस देश का संसद सांसद गुलाम हो, वो देश कभी आजाद नहीं हो सकता। इस देश की वर्दी, इस देश की मीडिया, इस देश के नागरिकों को अगर कोई आजाद करा सकता है तो सिर्फ राजीव तलवार और कोई नहीं। निर्दल प्रत्याशी राजीव तलवार का वोट नहीं चाहिए किसी को। इस देश से मर्द मिलेंगे राजीव तलवार को, मर्द मिलेंगे, राजीव तलवार दिखाएगा आजादी क्या होती है। इस देश से साला सिर्फ अंग्रेज गए और इस देश में कुछ नहीं बदल रहा है। बदलना हो तो भगवान बनिए राजीव तलवार के लिए, भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो, यही सही है। 2009 में जब मुझे लग गया था कि हम स्कूल नहीं चलाते हैं, बच्चों को धोखा देते हैं, एकलव्य से अच्छा विद्यार्थी इस धरती पर न कोई है न कोई होगा, इस राष्ट्र को एकलव्य जैसा विद्यार्थी चाहिए, द्रोणाचार्य जैसा गुरु नहीं चाहिए। मन भगवान, इस बच्ची ने मुझे एक गाना सिखाया था वैसे 20 साल पहले, मन भगवान का मंदिर है यहाँ मैल ना आने देना, हीरा जन अनमोल मिला इस बैर। क्या कहना चाहती हैं ज्योति जी, जो दिल्ली में रहती हैं और मीडिया का काम करती हैं? आप प्रत्याशी हैं और आज हम चाहेंगे कि आप जीते, लेकिन आप एक अच्छे, हम दिल जीतने के लिए सड़क पर आए थे और दिल जीतने से कोई नहीं रोक सकता। राजीव तलवार दिल जीत चुका है इस देश का, मर्दों का, मर्दों के दिल में राजीव तलवार के लिए जगह बन चुकी है। और नामर्दों का प्यार राजीव तलवार को नहीं चाहिए, क्योंकि नामर्द इतिहास पढ़ता है और मर्द इतिहास बनाता है। भगवान मानेगा ना, जाइए आप लोग वोट दीजिए। अरे उनको, उनसे कब वोट दे, अंडर एज के ये प्रत्याशी हुआ आने वाले भविष्य है ना बच्चों। इस देश के माँ बाप सोचते हैं कि अच्छे लोगों को वोट देना, इस देश के माँ बाप केवल सिखाते हैं, भाषण देते हैं, कुछ करने की औकात नहीं। ये सब बच्चे भविष्य आने वाले हैं, इन आप लोग का भविष्य बर्बाद कर दिया गया। हम आपको देंगे इस देश को, बच्चों के लिए देने के लिए कुछ नहीं है। राजीव तलवार जरूर देगा। इस बीच वकील साहब हमारे अन्ना जी, कुछ बोलेंगे? चाचा बच्चे मन के सच्चे, सारे जग के आंख के तारे, बच्चों हम दिखाएंगे स्कूल कैसे चलना चाहिए, शिक्षक कैसा होना चाहिए, क्योंकि एकलव्य का छोटा भाई राजीव तलवार। कुछ बोलेंगे आप? मेरी आवाज कैसी लगी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा ठीक ना भैया, हम ना जी उल्लू टीवी से राजीव आजमगढ़ से, अभी वोटिंग शुरू नहीं हुई है, क्या कहना चाहते हैं? अब शुरू होने वाली है। अरे हम मरिया में वोटिंग, और अभी अन्ना भाई 7 बज गया, अभी 4 मिनट बाकी है, शुरू नहीं हो पाई है। और भाई साहब कैसे, सवेरे से चाय पीने की व्यवस्था हुई आपकी? नहीं तो कैसे चाय पियेंगे आप लोग? अभी तक कुछ नहीं पिया, अभी ऐसे ही है। अच्छा ठीक, सवेरे से भाई साहब चाय मिली आप लोगों को? किसी को कुछ नहीं मिलता। चलिए मैं कोशिश करता हूँ चाय की व्यवस्था कराने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए एपीबी न्यूज के हमारे भाई जो अपना काम शुरू कर चुके हैं, घबरा ही मत, आप लोग आजाद हम कराएंगे। इस देश की मीडिया को कोई आजाद करा सकता है तो सिर्फ राजीव तलवार। आप दो दो लोग क्यों यहाँ? ऐसा कैमरा मेरे पास तो नहीं है, लेकिन राजीव तलवार के पास साहस बहुत है, जिस कैमरे पर भारी पड़ेगा इस देश की मीडिया पर भारी पड़ेगा। आज तक आपकी तारीफ सुनी थी, आज आपके दीदार भी हो गए। सर रंगदारी 10 रुपया।
हर पुलिस वाले से रंगदारी 10 रुपया क्या देंगे आप लोग? अच्छा ठीक है, आपकी हंसी बता रही कि आप देना चाहते हैं। अब की बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, अब के बरस, अब के बरस तेरी चुनर को धानी कर देंगे। आप लोगों की तनख्वाहें भी हम बढ़वाएंगे, सबकी तनख्वाहें एक समान होनी चाहिए। गलत है ये, किसी की तनख्वाह ज्यादा किसी की कम, कोई एसी में बैठता है पेंशन लेंगे ही नेता लोग, पेंशन सबको चाहिए नहीं तो किसी को पेंशन नहीं मिलेगी। मैं इस देश से कहना चाहता हूं, अगर पेंशन आपको नहीं मिलेगी तो पेंशन इस देश में किसी को नहीं मिलेगी। चुनाव के बाद मैं भूख हड़ताल करने जा रहा हूं। राजीव मरना पसंद करेगा, लड़ना पसंद करेगा, लेकिन डरना पसंद नहीं करेगा। अगर पेंशन आपको नहीं मिलेगी तो किसी को पेंशन नहीं मिलेगी। मठ साहब गलत की सही बोलिए, पेंशन अगर सबको नहीं तो नेताओं को भी नहीं, कहो भाई साहब। और मैं भूख हड़ताल करने जा रहा हूँ चुनाव के बाद, मैं आपके साथ हूँ। चलिए एक आदमी तो कहा, मैं आपके साथ हूँ, हम भी आपके साथ हैं। अरे गजब, चलिए हमारा वोट राजीव तलवार को जाएगा। आपका वोट राजीव तलवार, नहीं राजीव तलवार को वोट मत दीजिएगा, मुझे वोट नहीं चाहिए। ठीक, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बच्चों बस भगवान बनो मेरे लिए डायमंड ज्वेलरी मारुति के करताल को मनीष सबका सोल्यूशन कुछ नगर पड़ रहा आइडियल मार्केटिंग हीरो रिक्शा, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान बनिए, देर मत करिए। और आप अंतिम गाना सुनिए, मैं चलता हूँ। मेरे जागने से पहले आए रे मेरी किस्मत सो जाती है, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। मौत से सामना हो जाए उससे पहले राजीव के लिए भगवान बनिए, देर मत करिए। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके